को डूबते जहाज की संख्या देते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस में सिर्फ शिगुफेबाजी चल रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से खास बात की न्यूज वर्ल्ड संवाददाता शरद व्यास। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, माफियाओं के खिलाफ आपकी मुहिम चल रही है मध्य प्रदेश में, इंदौर से शुरुआत, आप भी प्रभारी मंत्री वहां के, प्रबल शुरुआत वहीं से हुई थी और आज पूरे मध्य प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है। कितना अभी तक चीजें रिकवर हो चुकी, कितनी प्रॉपर्टी रिकवर हो चुकी जो सरकारी का? अभी तक 1500 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हम कर चुके हैं। 2000 हेक्टेयर भूमि हमने मुक्त कराई है। 8800 करोड़ रुपए की ये भूमि है और हमारा इच्छा है कि ये भूमि हम गरीबों को मकान बना के गरीबों को दे दें, छात्रावास बना के दे दें और स्कूल बना के हम गरीब बच्चों को दे दें। चुनाव आ चुका है नजदीक में, कमलनाथ अभी तक दिख नहीं रहे थे लेकिन 2 तारीख को वो यहाँ पर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण बैठक करने की बात की उन्होंने, सर्वे की भी बात की। अब ठीक है, स्वास्थ्य लाभ जल्दी कर लें और विश्राम करें, स्वास्थ्य की चिंता करें, यही कहूंगा मैं उनसे। दिग्विजय सिंह ने जब तक मोर्चा संभाल रखा था, जयपुर जाने वाले दिग्विजय सिंह पंजाब भी गए थे, उसके अलावा उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपना डेरा भी डाला था, मध्य प्रदेश में भूमिका उनकी बहुत महत्वपूर्ण थी, अब जयपुर में जा रहे हैं। जैसे बंगलोर गए थे वैसे जयपुर जा रहे हैं, जैसे गोवा गए थे वैसे जयपुर जा रहे हैं। गोवा गए थे तो गोवा की सरकार चली गई, वहां के जो फेलेरियो जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनने बताया कि दिग्विजय सिंह के कारण कैसे सरकार चली गई। मध्य प्रदेश के विधायकों को लेने बंगलोर गए थे, तब मैंने कहा था कि आगे क्या होगा जे खुदा जाने, और माचिस को भेजा है आग बुझाने। अब जयपुर जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि जहां जहां संत मठा को जाए, भैंस पड़ा दो ही मर जाए। G23 है, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, कांग्रेस एक तरफ पूरे विपक्ष को एकत्रित कर रही है कि मोदी सरकार के खिलाफ उतारी है, तमाम राज्यों में सरकार के खिलाफ उतारी है जो बीजेपी शासित है, दूसरी तरफ G3 विरोध कर रहा है उन्हीं का ही, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस डूबता जहाज है। हम लोग कहते थे तो आप लोग सोचते थे कि हम बीजेपी वाले हैं, हम तो कहेंगे, अब तो उन्होंने ही कह दिया है कि ये जो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं 2 साल से और फैसले ले कौन रहा है, जवाब देना चाहिए राहुल जी सोनिया जी को। वो कह रहे हैं उहापो की स्थिति में कांग्रेस है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करें विद नाना, हस्ताचल की हो रहा है कांग्रेस का सूरज। खंडवा जो उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, अरुण यादव अपनी ताकत लगा रहे हैं, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका जो डूबता करियर है वो भी ऊपर उठ के आ जाए, शेरा उनके बीच में एक बाधा डाल रहे हैं, कैसे देखें? शेरा मित्र है मेरे, अच्छे आदमी है, अभी आए थे, हम मिलते जुलते रहते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं भी गया हूँ। कांग्रेस के सर्वे को आप कैसे देखें, क्योंकि सर्वे तो 2018 में भी गॉसिप है, गॉसिप अफवाह है यार, कुछ नहीं है। अब कांग्रेस का कोई भगवान ही मालिक है। अब तो दिग्विजय सिंह की भूमिका कैसी रही, क्योंकि उनको तो तमाम आंदोलनों का मुखिया भी बना रखा है। किसी आंदोलन का मुखिया नहीं, वो खुद ट्वीट कर रहा है कि किसान आंदोलन वाले हमें बुलाते नहीं है और हम बुलाएं तो किसान आते नहीं है, वो उसका उनका कल का ट्वीट है, देख लो आप, बड़ी वैसी स्थिति में है कांग्रेस। नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे, साफ तौर पर कहा है तमाम चुनाव के बारे में जानकारी दी है और किस तरह से माफियाओं ने, माफियाओं से मुक्त मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कराया गया है। बहरहाल अब देखना होगा चुनाव में क्या स्थिति बनती है। कैमरा पर्सन इमरान, शरद व्यास, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल, मध्य प्रदेश।